Hi guys, welcome to our Academy NEET. This is Akanksha, your chemistry mentor. So, Medhavians, are you all set? पहले तो बताओ यार कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है. Am I audible? सब कुछ एकदम परफेक्ट है. चलो जी चेक कर लेते हैं क्विकली. Am I audible? Is it all cool? सब एकदम परफेक्ट बच्चे. हाँ सब परफेक्ट है. ओके गुड. सो हाय हाय मेधावियंस, हाउ आर यू ऑल? कैसा एक्साइटमेंट, हाउ इज द जोश यार? इधर सबसे पहले तो चैट सेक्शन में दिखना चाहिए ये जोश, ये एक्साइटमेंट कि आज एक नए जोश, एक नए एस्पिरेशन के साथ हम लोग लग रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 22 एंड नीट 23 ऑफ कोर्स. ठीक है, तो यार इधर वो थोड़ा सा एंथुजियाज्म, वो जोश इधर नजर आना चाहिए. आई नीड अ लॉट ऑफ थम्स अप्स इन द चैट सेक्शन. एंड उसी के साथ साथ बच्चे देखो यार, अगर आज की बात हो तो आज हम आपका ये जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे साथ, मूल कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए कि आज हम एक स्ट्रॉन्ग सा फाउंडेशन रखने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. बच्चे यार ये ऐसा टॉपिक है कि आगे आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स आपके एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, इसी के ऊपर बेस्ड है. देखो यार एक बहुत क्लियर बात मैं आपको बताती हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यू नो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन बात क्या होती है, आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग है. हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं उधर एडवांस लेवल पे, नहीं बन पाता. क्यों? क्योंकि वो एडवांस वाले क्वेश्चन का अप्रोच तो यार इधर से आएगा, बेसिक से, और बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करेंगे और उसके बाद देन वील मूव ऑन टू दी यू नो एडवांस एज वेल. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के जो हमारे सब टॉपिक्स होने वाले हैं वो क्या लिखा हुआ है ना, एटॉमिक मास, मोलर मास, और जी आपका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास. क्या होता है यार मैम, सब मास मास ही तो है. ठीक है, जो भी है मास ही तो है ना. नहीं, बहुत गोलमाल, बहुत गड़बड़ तुम लोगों ने इधर कर रखा है आपने ये कॉन्सेप्ट्स में. क्या आपका एटॉमिक मास होता है, किसी की यूनिट एएमई होती है और जी किसी की केजी होती है, किसी की ग्राम भी होती है, किसी की ग्राम पर मोल होती है. यार ये सब होता क्या है, किधर से आया, कैसे आपका बचे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा. मास तो है ये सारे, लेकिन ये अलग अलग नाम इनको क्यों दिया गया है ये आज हम समझेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बन नहीं पाता है, क्योंकि इधर तुम फुल फंस जाते हो, गड़बड़ हो जाती है कि नहीं. चलिए इससे पहले कि हम एक्चुअली सेशन को स्टार्ट करें, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज आकांक्षा, योर केमिस्ट्री मेंटोर. I qualified my CSIR NET with AIR 35. I'm also a gate qualified in chemical sciences, secured an international rank of 29 in the EFO, and I was also awarded the scholarship by the Department of Chemistry, University of Delhi, for my outstanding academic performance. बच्चे उसके बाद पक्का ही ज्वाइन कर लीजिए या आपका टेलीग्राम चैनल An Academy NEET. At the same time, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप AKA Life को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पर ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना यार, इधर ही अब तक वैसे पता चल गया होगा, इधर ही आपको जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं सभी का सारा पीडीएफ मटेरियल, सारा कंटेंट आपको इधर ही मिलने वाला है, यहाँ पर इस चैनल पर. और यार मेधावी बैच टाइम टेबल अब तक सब में सर्कुलेट हो चुका है, टाइमिंग्स मत भूलेगा अपने एजुकेटर्स का, और ऑफकोर्स मेरा जो टाइमिंग है दैट इज 1 PM. एंड देन आई एम ऑल्सो प्लस एजुकेटर एट An Academy. मैं आपको मिलूंगी इन दी मेधावी बैच. और बच्चे यहाँ पर ये आपका डेडिकेटेड है 22 aspirants के लिए, और यहाँ पर अब भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, और भी बहुत कुछ, और जी कैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स डिसाइड करते हो एंड अ लॉट ऑफ दैट. और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, तो वो सब इधर होगा. ठीक है, अब बच्चे आप कोड यूज कर सकते हैं AKA Life अगर आप प्लस के मीडियम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं. एट द सेम टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार. ठीक है, देखो प्लीज मेरी क्लास में एक रूल, डिसिप्लिन मैटर करता है, और पूरा डिसिप्लिन वे में आप लोगों को चलना है. ठीक है, डिसिप्लिन वे में हम लोग एकदम चलेंगे. कहने का मतलब ये है कि ये आपका तरीका रहेगा, यहाँ YouTube पर हम थ्योरी सेशंस लेंगे, और फिर बच्चे आपका किधर किधर जी किधर स्पेशल क्लास में हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे. देखो बच्चे क्या होगा कि जैसे आज मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको ये जो सब टॉपिक पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सब ये डीपीपी के सब ये पीडीएफ के एंड में डाला हुआ है. ठीक है, तो मैं आपको जब ये पीडीएफ दूंगी इस लेक्चर का, आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नीचे देखना जो लास्ट वाली स्लाइड्स हैं, आई विल शो यू एट द एंड,
वहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक. क्लास में भी क्वेश्चंस इधर तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं बनती बात फिजिकल में. तो प्रैक्टिस हमें करनी है किधर, इन दी स्पेशल क्लास. आज मिल जाएगा DPP 1. ये देखो चैट सेक्शन में भी पिनअप हुआ हुआ है लिंक, तो बच्चे वहां पर आप एनरोल करा दीजिए. स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है और आप एनरोल करा सकते हैं यूजिंग दी कोड AKA LIVE. ठीक है, ओके जी. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा. आर यू ऑल सेट? स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक बच्चे. चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखो यार, फिजिकल की अगर बात हो तो उसमें हम ज्यादातर स्टडी करते हैं किसको, मैटर को. किसको स्टडी करते हैं आप? मैटर के बारे में पढ़ते हैं. अभी देखो मैटर ये होता है एनीथिंग, ये वो और मैटर के ना ये टाइप होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस, आइंस्टीन, प्लाज्मा. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट. इसमें हम नहीं जाएंगे. NCERT में स्टार्टिंग में यही लिखा है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे यार, ये तो तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन आता नहीं है यहां से. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट. यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बच्चे जो आपने सब टॉपिक्स देखे उनसे. देखो जी यार, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, साइंटिस्ट को लगा कि जो मैटर है ना उसका मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. जैसे आपका, मेरा, आजू बाजू जो भी है उसका मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब बिल्कुल पहले जब आपकी कोई यूनिट इन्वेंट नहीं हुई थी, कि मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या सोचा, अभी हम लोग कैसे मास फाइंड आउट करते हैं मेरे को बताओ. हम क्या करते हैं, ये वेइंग बैलेंस है. मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, तो हम क्या करते हैं, ये वेट बैलेंस पर एक जगह आप वो रखते हो सामान जिसको आप परचेज करने गए, और यहां पर आपके पास ये वेट्स रहते हैं. वेट्स कैसे, ऐसे यार होता है ना 1 kg 2 kg, ऐसा ऐसा ये आपने वेट्स बनाए हुए, और इनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं बच्चे, हम इनके हेल्प से अपना वेट मेजर कर लेते हैं. कहने का मतलब देखो क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये दोनों इक्विलिब्रियम में बैलेंस में आ जाएंगे, इसका मतलब ये सामान का वेट उतना ही है जितना इधर वेट रखा हुआ है. ऐसे ही तो करते हो, कॉमन सेंस, एकदम सिंपल बात वाली बात बता रही हूं मैं आपको. ठीक है, तो ऐसे करते हैं. लेकिन द क्वेश्चन इज, आ रहा है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन? ना मैम कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिंपल सी तो बात है, इसमें क्या क्वेश्चन. अरे यार क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको 1 kg दिख रहा है ना, 1 kg ये किधर से आ गया, 1 kg कहां से आया, वॉट इज दिस 1 kg, ये 1 kg क्या होता है. ये बात आप समझ लोगे तो फिर बाकी की जो आपकी बात है, यानी कि आपका एटॉमिक मास या ये वो, ये सारी चीजें आपको यू नो इसका क्लैरिटी मिल जाएगा. देखो बच्चे 1 kg को कैसे डिफाइन किया गया, साइंटिस्ट ने क्या किया एक्चुअली, हाँ ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चे एक्चुअली, उन्होंने एक सिलेंडर लिया. क्या लिया, एक सिलेंडर लिया उन्होंने, और ये सिलेंडर आपका बना हुआ था इरिडियम और जी प्लैटिनम से. ठीक है, ऐसे ही बना दिया. ठीक, आप बच्चे मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अलॉय कहते हैं, तो जी इसलिए स्लाइड पे अलॉय लिखा और कोई सीन नहीं है, इसको ध्यान भी नहीं रखना. इरिडियम प्लैटिनम कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे. ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए. बच्चे उन्होंने एक सिलेंडर लिया इसमें इसका, और उसको एज अ रेफरेंस सेट कर दिया. उनको नहीं पता इसका क्या मास है, अरे कुछ है ही नहीं, कैसे बताएं क्या मास है. ठीक है, तो उनको नहीं पता इसका क्या मास है, तब तक केजी वेजी कोई यूनिट नहीं आया, तो उन्होंने इसको एज अ रेफरेंस सेट कर दिया. रेफरेंस सेट करने का मतलब है, देखो ऐसे समझो कि आपके पास मान लीजिए, क्या मान लें, ए बॉक्स है. ठीक है, आपके पास ए कोई बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस, अरे भाई ए का बॉक्स है सिंपल, बी का भी ऐसे ही आपके पास बॉक्स है, बी के भी आपके पास क्या है, ऐसे ही आपके पास बॉक्सेस है. तो पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि भाई ए बॉक्स का मास हमें पता करना है, कि ए जो आपका ये एक बॉक्स है उसका मास कितना है, एक बॉक्स का मास. ठीक है, मास नहीं मास. ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, ए वाला जो बॉक्स है इधर रख दिया. ओके जी, अब वो क्या करते गए, वो जो सिलेंडर उन्होंने बनाया था ना, वो वाला जो आपका सिलेंडर है वो बच्चे वो इधर रखते गए. अब उन्होंने देखा कि उनको ऐसे इनको बैलेंस पे लाने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस पे लाने के लिए बच्चों उनको ऐसे 10 सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी, तब ये बैलेंस में आ पाया. इसका मतलब आप लोग बताओ क्या कह सकते हो, इसका मतलब सिंपल क्या कह सकते हो, कि जो आपका मास ऑफ एक ए बॉक्स है, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ 1 सिलेंडर, है ना यार, यही तो कहोगे, बोलो यार, कम ऑन क्विकली, इधर पता चलना चाहिए कि आप लोग समझ रहे हैं बातों को, तो आप यही तो कहेंगे, है ना, कि आपके पास जो आपका ये ए है उसका मास किसके इक्वल है, 10 टाइम्स मास ऑफ 1 सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के मास के इक्वल, सिंपल. ठीक है, अभी देखो ऐसे
हमारे पास एक बी बॉक्स था, तो जब उन्होंने ये ए को हटाकर इधर बी रख दिया, किसको रख दिया जी, बी को रख दिया, तो उनको पता चला या 20 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं। यहां पर उनको कितने सिलेंडर्स रखने पड़े, 20 सिलेंडर्स उनको रखना पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे यार सिंपल है ना, कि मास ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, 20 इंटू मास ऑफ वन सिलेंडर। ओए होए, ऐसे तो मजा नहीं आएगा बताने में, क्या कि मेरे को जो है ए का मास बताना है, और मैं क्या बता रही हूं, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ वन सिलेंडर। सोचो यार कौन इधर से किसको पकड़ते हैं, प्रिया कुमारी है, और उनको अपना वेट ऐसे बताना पड़ रहा है कि मेरा जो वेट है ना 20 टाइम्स मतलब 20 सिलेंडर्स के वेट के इक्वल है। आए कैसा लगेगा, 20 सिलेंडर्स के वेट के इक्वल मेरा मास है, ये तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो कैसा होगा, बार बार ऐसे लिखना तो बड़ा ही हेक्टिक है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया बच्चे, यहां पर ये जो आपका मास ऑफ सिलेंडर है उसको उन्होंने एक यूनिट बना लिया, इसीलिए तो इसको रेफरेंस किया गया था, उसको उन्होंने एक यूनिट बना लिया और इसी को क्या बोल दिया, 1 kg बोल दिया। अभी देखो, अब आप क्या कह सकते हो कि जो आपका मास ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू 10 kg, और इसी तरीके से आपके पास जो मास ऑफ बी है दैट इज इक्वल टू 20 kg। बोलो यार ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, आपने ये वाली वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोल दिया विच इज 1 kg, ऐसे डिफाइन हुआ था आपका 1 kg। बोलिए ये बात अभी सबको क्लियर है, उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि क्लियर नहीं हो, है ना। तो जी आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्यों बताया गया है अभी समझिए। देखो यार ये तो ठीक है कि हमने जो है ना बता दिया मास किसका, मैटर का, अब केजी में तो बड़ी बड़ी चीजें होंगी जैसे मैं जैसे आप या इधर उधर का कुछ भी, लेकिन जैसे एटम केमिस्ट्री में किसकी बात होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, आपके एलिमेंट है, एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इनकी बात होती है। तो यार जैसे ये आपके पास है तो भाई इधर इनका मास फाइंड आउट करना है। ओए होए, इतने चीनू मीनू से तो होते हैं बेचारे, आंखों से दिखते नहीं है, एटम दिखता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यार इतना छोटा सा आपका एक क्या बोलते हैं एंटिटी है, उसका मास तो बड़ी मुश्किल। साइंटिस्ट को फिर एक ये प्रॉब्लम आई कि मास ऑफ एटम को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो उन्होंने यही वाला लॉजिक उधर अप्लाई किया। उन्होंने क्या लॉजिक अप्लाई किया कि यार एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं, क्या करते हैं एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं और उसके हिसाब से बाकी सबका मास पता डालेंगे। तो उन्होंने पता है क्या रेफरेंस सेट किया बच्चों, उन्होंने रेफरेंस सेट किया एक हाइड्रोजन आइटम। तो उन्होंने जी आपका रेफरेंस सेट कर लिया हाइड्रोजन आइटम को, पता है बिना सोचे समझे, मतलब ऐसे कुछ तो सोचा ही होगा, पर ऐसे विदाउट एनी लॉजिक उन्होंने हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम के मास को 1 बोल दिया, कोई यूनिट नहीं कुछ नहीं, क्या बोला कि एक हाइड्रोजन आइटम का मास 1 है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। सो बच्चे उन्होंने बोला कि मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 जी, बिना किसी यूनिट के। बढ़िया, अब उन्होंने फिर इसको रेफरेंस मान लिया, कहा ना इसको रेफरेंस माना, इसको रेफरेंस मानकर उन्होंने बाकी के जो आपके एटम्स बचे जैसे यार कार्बन हो गया ये वो वगैरह वगैरह सबका मास फाइंड आउट करना शुरू किया। तो उनको देखने के लिए मिला कि यार जो आपका मास ऑफ कार्बन 12 एटम है कितना आया, दैट इज इक्वल टू 12 टाइम्स मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, किसके इक्वल है, 12 टाइम्स द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो आपका मास ऑफ नाइट्रोजन एटम आ रहा है, एक नाइट्रोजन एटम, जी इधर मैं एक नाइट्रोजन एटम के बारे में बता रही हूं आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम का कितना आया, 14 इंटू कितना आया बच्चे, 14 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। उसके बाद यार उसके बाद भी है कि हाँ चलो एक और बता देती हूँ बच्चे, उसके बाद ऑक्सीजन का भी सुन लो, ऑक्सीजन का उनके पास कितना आया, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम जी निकल कर आ गया 16 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अभी उसको रेफरेंस ले लिया उन्होंने, पर फिर से गड़बड़, उनको देखने के लिए मिला कि यार ये हाइड्रोजन से बात नहीं बन रही, हाइड्रोजन को कंसिडर करते हुए सारे के सारे एटम्स जितने आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं सबका मास नहीं फाइंड आउट हो पा रहा था अच्छे से। दूसरी बात, हाइड्रोजन एटम कुछ पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, अभी डिस्कस करूंगी कौन से, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स का या एटम्स का मास जो है किसके इक्वल नहीं आ रहा था, इंटीजर वैल्यू नहीं आ पा रही थी। देखो ये सब भूल जाओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, यानी कि ऐसे सोचिए जरा कि मेरे को ना क्लास का मॉनिटर बनाना है, ये जितने बच्चे इधर है इनमें से मेरे को एक मॉनिटर बनाना है, कैसे बनाऊंगी यार, कुछ तो सोचूंगी या ऐसे बोल दूंगी तुम बन जाओ,
ना भाई, मैं तो कुछ सोचने वाली हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी। तो क्लास का मॉनिटर है तो उसके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे, मैं किसी एक को बनाऊ। पहली बात तो वो मॉनिटर कैसा होना चाहिए यार, एक तो रेगुलर हो। अरे भाई क्लास में आए तो सही, ऐसा नहीं कि आता ही नहीं, आता ही नहीं तो बाकी बच्चों पर कैसे ध्यान देगा, है ना। तो यानी कि रेगुलर होना चाहिए। इसी तरीके से बच्चे साइंटिस्ट को भी जब उन्होंने पैरामीटर सेट किए आपके रेफरेंस एटम के, तो उन्होंने कहा यार वो एटम प्रेजेंट हो बढ़िया से, इधर उधर काफी अबंडेंट हो। कहने का मतलब उसका अबंडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अबंडेंस समझते हो कि नहीं, अबंडेंस समझते हैं बच्चे। अबंडेंस मतलब नेचर में एकदम प्रेजेंट होना। अबंडेंस मींस कोई चीज का कितना प्रेजेंस है एनवायरमेंट में, नेचुरली नेचर में कितना अबंडेंट है, वो कितना पाया जाता है। तो यार अच्छा खासा मिलना चाहिए तो ही बढ़िया है, नहीं तो वही मॉनिटर वाली बात आ जाएगी। अच्छा दूसरा पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर ये होगा कि मॉनिटर हम ऐसा सेलेक्ट कर लें बिल्कुल ही बेचारा गुमसुम, मतलब बोलता ही नहीं है। अरे यार मॉनिटर बोलता ही नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। बेचारा मॉनिटर जो है अगर वो बोलेगा ही नहीं तो उसका तो बाकी लोग ही बुद्धू बना देंगे, वो क्या क्लास को कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ एटम के टर्म्स में बात हो तो बच्चे आपका रेफरेंस एटम कैसा होना चाहिए, जो बहुत लेस रिएक्टिव नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव, ठीक है। इट शुड नॉट बी वेरी लेस रिएक्टिव, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा यार दूसरी बात, आप लेस रिएक्टिव तो ठीक है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो खुद ही हर टाइम फुल ऑन रहता है। फुल ऑन मतलब इतना टॉकेटिव है, चुप ही नहीं होता, खुद ही इतना बदमाश है, तो ये तो फिर से गड़बड़ है ना भाई। वो मॉनिटर है खुद ही बदमाश, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन सिखाएगा ना, ऐसा तो मॉनिटर जी नहीं चाहिए। इसका मतलब एटम्स के टर्म्स में बात हो तो बच्चे उसको मोर रिएक्टिव, यानी कि मोर का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो टू रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टू मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन को जी क्रॉस कर। उसके बाद मॉनिटर के भाई बहन हो जाए क्लास में, ठीक है, जो आपका मॉनिटर है उसके भाई बहन बना दो तुम क्लास में, फिर क्या होएगा, ओए होए पार्शियलिटी वाला सीन है ना। क्या होगा कि वो अपने भाई बहन को कुछ कहेगा नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा तो मजा नहीं आएगा। मेरे को चाहिए कि मॉनिटर के भाई बहन नहीं बच्चे। इसका मतलब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि जो आप एटम सेलेक्ट कर रहे हो ना उसके ब्रदर सिस्टर्स नहीं हो, यानी कि आइसोटोप्स नहीं हो। यार तुम लोग जानते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि नहीं जानते, बोलो फटाफट इधर बताओ, डू यू नो आइसोटोप्स क्या होते हैं। हाँ जी बिल्कुल पता होगा आपको, नहीं पता तो देखो बच्चे चैप्टर में आगे आएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। आइसोटोप जैसे कि कार्बन को ले लो बच्चे, कार्बन का इसको ये जो यहाँ पर आप लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं और इधर इसको मास नंबर बोलते हैं। बच्चे जहां पर क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो जाए, देखो यार दिख रहा है ना इधर एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, कहने का मतलब 6 6 6 ही तो है एटॉमिक नंबर इधर भी और इधर भी, लेकिन आपका मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर देखो 12 और 13, तो इनको क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइसोटोप्स है ना। तो बच्चे इन सभी कंडीशंस को सैटिस्फाई कर पा रहा था कौन, हाँ जी ये कार्बन ही। अरे अरे मैम देखो कार्बन ठीक है, अबंडेंस बहुत ज्यादा है, आप देखो ना जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है बच्चे, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर, हम ये पेड़ पौधे सब कुछ जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है कार्बन ही कार्बन है उसमें। ऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर बेस्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन पर, तो यार उधर कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो नेचर ने तो जी भर भर कर दिया आपको। दूसरी बात क्या है, इसका लेस रिएक्टिव, ये सब भी ठीक था, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। बात आती है आइसोटोप्स की, अरे ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, आप कह रहे हो आइसोटोप्स नहीं होना चाहिए और फिर आपने इसके आइसोटोप्स भी बता दिए। तो देखो बच्चे होता कैसे, एक्चुअली क्या होता है आपके पास कि ये जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है ना, ये नेचर में ऑलमोस्ट 99% मिलता है। कितना मिलता है, ऑलमोस्ट 99%, ठीक है। उसके बाद ये जो कार्बन 13 वाला है ना के बराबर, कितना होता है ऐसे बोल दो जी 0.9%। और उसके बाद बच्चे एक और होता है कार्बन 14, और एक्चुअली इनके बारे में तो पता भी नहीं था, ठीक है। एक कार्बन 14 भी होता है विच इज 0.1%, इतना भी नहीं होता पर चलो कह देते हैं। तो मेजर मेजर तो यही है, मेजर कौन है आपके पास, मैक्सिमम आपके पास कौन प्रेजेंट है जी, कार्बन 12 प्रेजेंट है। तो बच्चे इसकी अबंडेंस तो बहुत ज्यादा है, एक तो नेचर ने पहले से ही बहुत ज्यादा कार्बन दिया है आपको, और ऊपर से आपके पास 99% एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसकी अबंडेंस भी अच्छी खासी है। तो फाइनली एटम तो जी हो गया सेलेक्ट, कौन हुआ, कार्बन एटम हो गया, ठीक है।
यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो आई नीड दैट रिस्पॉन्स हियर. आर यू ऑल क्लियर? आई नीड अ लॉट ऑफ थम्स अप्स हियर. और बच्चे साथ साथ सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है? देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हो इधर. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. बच्चे उसके बाद देख यहां पर आपके पास दूसरी बात क्या आई. अच्छा अच्छा पहले थोड़ा सा और बताते हैं आपको, फिर ये दिखाएंगे. देखो यार कार्बन 12 आपका रेफरेंस एटम हो गया, लेकिन अब भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बाकी रह गई. उन्होंने क्या किया था, जब हमने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज किया था ना पहले वाले केस में, तो जब आपने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस चूज किया तो यार साइंटिस्ट लोग ने ऑलरेडी क्या ध्यान कर लिया था कि कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16. यही तो किया था. आप अभी अभी देख कर आए कि नाइट्रोजन 14 टाइम्स है किसके, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम के, ऐसे ही कार्बन 12 टाइम्स आया. तो यार वो नहीं, और उन्होंने सबको बता भी दिया, बहुत सारी कैलकुलेशन उसके बेसिस पर कर ली. तो वो नहीं चाहते थे कि यार ये नंबर बदल जाए. नंबर नहीं बदलना चाहिए, कार्बन का 12 रहे, ऑक्सीजन का 16 रहे और नाइट्रोजन का 14 रहे, नंबर नहीं बदलो यार, वो ये बोल रहे थे, ठीक है? तो उन्होंने कैसे दिमाग लगाया, कैसे लगाया ये देखो. यार सोचो अगर आप यहां पर ये कहते हो, मान लो कि मास ऑफ नाइट्रोजन अगर आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है बच्चे, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम किसके इक्वल आ रहा था बोलो, दैट वॉज इक्वल टू 14 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, है ना, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. अभी तक तो हाइड्रोजन एटम आपका क्या था, रेफरेंस था. अभी मेरे को कार्बन 12 ले रहा है, कार्बन 12 लूंगी तो ये तो मास चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन का मास अलग होता है यार, तो 14 टाइम्स थोड़ी ना आएगा. पर मेरे को नंबर तो यही रखना है, मेरे को तो यही चाहिए कि कितना आए, कितना आए बच्चे, 14 ही आए. तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे जब हम क्या बोलते हैं कार्बन को एज रेफरेंस सेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14. अभी देखना इधर ध्यान से देखना, सब समझ आएगा. 14 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम ले लो जी, और कार्बन 12 एटम जो था बच्चे उसका मास कितना था, 12 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. याद आ रहा है कुछ कि भूल गए? अरे यार अभी अभी आपको बताया मैंने कि जो आपका मास है ऑफ वन कार्बन 12 एटम दैट इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, पीछे तो यही फाइंड आउट कर आए थे. तो पता है क्या हुआ, क्या हुआ कि यहां पर आप तो गड़बड़ हो गई, करना है इसको बैलेंस, तो क्यों नहीं हम इसको 1/12 से डिवाइड कर देते. देखो 1/12 से डिवाइड कर दोगे, कार्बन का ऑलरेडी कितना आ रहा था 12, तो 12 से 12 कैंसिल, ये 1 बन जाएगा, है ना यार. किसी को भी यूनिट को हम 1 ही बनाना चाहते हैं, तभी तो आपने 1 kg स्टैंडर्ड माना है. 2 kg स्टैंडर्ड मानते हो ना, कोई दिक्कत है यार, फिर वैल्यू चेंज हो जाती है ना. तो बच्चे हम स्टैंडर्ड वैल्यू को हमेशा 1 रखना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू आती है वो क्या आती है बच्चे, स्टैंडर्ड वैल्यू आती है दिस. अब भी आप इसको एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करने वाले हो, और बुक्स में लिखा हुआ है, इतनी सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, और इतना सारा आपका ये लिखा हुआ है कि यार दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू. ये एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 रूल, ऐसा ये होता है, सिंपल सी बात. कितनी सिंपल बात थी कि नहीं थी, तो इसीलिए हमने इसको आपका क्या लिया, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, दैट्स इट. ठीक है अभी देखो, हमने इसको स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया राइट, और ये 1 भी है क्योंकि हमने इधर ट्रिक लगा दिया, और वो सेटअप से यानी कि 1/12 से ये 1 भी आ रहा है. बच्चे यही जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी को आप पता है क्या बोलते हो. देखो मैं आपको एक्चुअली क्या बताना चाहती थी इधर, कि हमें ना एटॉमिक मास पता करना है बच्चे. क्या पता करना है, एटम का मास. अरे भाई भूल गए क्या तुम लोग, यार ये इतना सब कुछ किस लिए चल रहा था, एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए, है ना. हमें क्या करना है, एटम का मास फाइंड आउट करना है. तो एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए हमने कार्बन को एज रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया. पहली बात तो एटॉमिक मास का नंबर क्या होता है बच्चे, एटॉमिक मास का मतलब है, मतलब ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है उसके एक एटम का कितना मास होगा, एटॉमिक मास बोलते हैं. बोलो यार ये तो बड़ी सिंपल बात है यार, एक एटम का कितना मास होगा, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास.
ठीक है, अभी कितना होगा आओ जी चेक करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू आपने चेक कर ली, सेट कर लिए कि नहीं कर लिए। तो बच्चे जब आप इस तरीके से किस किस का, जैसे कि मान लीजिए मुझे नाइट्रोजन एटम का बता कि एक एटम का व्हाट इज द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, कितना हो जाएगा 14 और इनटू द स्टैंडर्ड वैल्यू, या आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। इसी तरीके से 16 इनटू दिस, अरे भाई ये वही है जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, मास ऑफ सिलेंडर जिसको 1 kg कहा गया था, ये वैसा ही तो हो गया। तो इतना ऐसे ऐसे लिखोगे, इतना बड़ा बड़ा हर बारी, ये इनटू दिस 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 दिस, नहीं, उससे बेटर है कि हम इसको एक यूनिट बना लें। बेटर है कि नहीं है, आसानी हो जाएगी, इसको एक यूनिट बना डालते हैं। क्या यूनिट बनाया बच्चे, ये जो आपका पूरा है इसको हमने एक यूनिट बना डाला, और वही जो आपका यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। ठीक है, तो ये जो आपको ये दिखता है ना AMU, ये होता है, दिस इज योर 1 AMU। क्या मतलब इसका, 1 atomic mass unit, भाई एक एटम का मास, ये जो स्टैंडर्ड जो आपने रेफरेंस सेट किया वो होता है आपका AMU। ठीक है, तो अभी देखो मैं क्या बोल सकती हूँ, नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14 AMU, बोलो यार, ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU, ऐसे का इसका सल्फर का कितना हो जाएगा 32 AMU, और ये क्या है, एटॉमिक मास है, सारे के सारे एक एटम का मास है, मतलब एटॉमिक मासेस है। हाउ सिंपल इज दैट, आपने रेफरेंस सेट कर लिया। बोलो यार ये जो पहले टाइप का आपका मास था, क्या ये आपको क्लियर है, जल्दी से बताओ इधर, ये आप लोगों को क्लियर है, कमान क्विकली बताएंगे, क्या बच्चे आपको ये वाला मास क्लियर है क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट है, फिर तो परफेक्ट है। और इसी के साथ क्या आपने सेशन लाइक किया है बच्चे, सेशन लाइक करना नहीं भूलना, ठीक है, नो कंजूसी, ओके। तो बच्चे फिर, अच्छा ये वाली बात तो हो गई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद एटॉमिक मास हम सब समझ चुके हैं बच्चे, मास नंबर मतलब कि टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, एंड दैट इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब यार ये रिलेटिव एटॉमिक मास किसको कहते हैं जी, तो देखो यार क्या होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास बच्चे, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब जैसे तुम लोग स्टार्टिंग में वो सिलेंडर वाले एग्जांपल पर आओ, उधर आपका मास ऑफ ए कितना निकल कर आया था 10 kg, अरे 10 सिलेंडर्स के इक्वल था 10 kg, ये कितना निकल कर आया था 20 kg। अब मैं आपको कहूं, कहिए मैम, कहिए है ना, तो देखो आपको मैं कहती हूँ कि यार मास ऑफ बी बताओ रिलेटिव टू ए, मतलब क्या हुआ यार, बी का मास ए के रिस्पेक्ट में कितना है, कुछ नहीं करना होता, बी का पूछा है ना, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यार बी का कितना है 20 है, ए से डिवाइड कर डालो भाई, बी का मास ए के रिस्पेक्ट में कर दिया, कितना आएगा जी 2। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, पहली बात तो ना, इसको रिलेटिव मास कहते हैं, एटॉमिक पर अभी हम आएंगे, ठीक है। तो यार इसकी यूनिट क्या होगी बताना एक बार, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, अरे यार देखो ना, यहां पर आपने क्या किया, मास ऑफ बी को मास ऑफ ए से डिवाइड कर डाला है ना जी, तो यार kg तो गया, kg तो गया, तो क्या बचा 2, यूनिट तो हुई नहीं, ये तो यूनिट लेस हो गया, इसीलिए आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बच्चे वो कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, कैसा होता है, इट इज यूनिट लेस। तो लिख डालना इधर कि ये जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है ये कैसा आएगा, यूनिट लेस आएगा, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती। तो इसका मतलब आओ जी आगे चलते हैं, अब एटम के टर्म्स में बात कर लेते हैं, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखो यार रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो राम भगवान जी नहीं, ठीक है, ये लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको देखो बच्चे, इसका मतलब मान लीजिए मेरे को किसी भी एटम का, किसी का भी रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आपका मास है, अच्छा इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चे, इसका मतलब है कि आपका मास एक एलिमेंट, एक एटम का कितना है जी, कितना, एक एटम का मास कितना है, यानी कि आपका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जो आपकी रेफरेंस था, यही तो था आपका स्टैंडर्ड है ना, यही तो आपने स्टैंडर्ड लिया था, तो बच्चे आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में आपका मास कितना है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, तो यही आपका क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। एंड ऑफ कोर्स अभी, अच्छा देखो एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, पहले एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आपको रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, किसका, किसका फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन का, करो यार जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा, बताने एक बारी, हाँ वेरी गुड, नो यूनिट, परफेक्ट। अरे यार स्पेशल क्लास में एनरोल करा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक आपका पिन अप हो ही रखा है, और कल आना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन के बिना
नहीं होता, फिजिकल नहीं होता क्वेश्चन के बिना, ठीक है? कल क्लास में आना है और प्लीज सॉल्व कर आओगे, ऐसे नहीं कि मैम करा देंगे बस, ठीक है? सॉल्व कर आना। हाँ जी, वेरी गुड। तो बच्चे देखो, यहाँ पर जब हम मास फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो ये आपका क्या बन जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास मेरे को नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है। बच्चे दिस वे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कि कितना मेरा मास होता है, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, भाई एक नाइट्रोजन एटम का मास, डिवाइडेड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना? यही तो है, ठीक है? अब आपको ऑलरेडी पता चल चुका है या ये मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, तो तुम्हें पता चल गया एटॉमिक मास यूनिट में, पता चल गया कि नहीं? वही तो एटॉमिक मास आप पढ़कर आए हो। तो क्या लिखोगे इधर, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कितना हुआ, 14 इंटू, बच्चे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना? ये हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय, यही आ जाएगी वापस से, भाई ये लिख रही हूं मैं, ठीक है? मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओए होए, ये देखो क्या हो गया बच्चे, क्या हुआ यहां पर आपका, ये और ये तो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल तो हो ही रहा है, सेम टू सेम ही तो बात है। ये आपका क्या एएमयू है, ये भी एटॉमिक मास यूनिट ही है ना? क्या आ गया, 14, यानी कि रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन भी कितना है, ये तो 14 ही आया है, ये तो 14 आया है और इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब बच्चे आपके पास नाइट्रोजन के दो तरीके के मास आपने सीख लिए। एक बार तो आपके पास नाइट्रोजन का मास आया है 14 amu, यानी कि ये जो बच्चे आपका amu आया है, दिस इज योर एक एटम का मास। ये क्या है बच्चे, आपके एक एटम का मास है, विच इज योर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। इधर लिख देती हूं, दिस इज योर एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक? उसके बाद भाई एक और भी तो आ गया, ये देखो यार कौन आया, 14, क्या है 14, क्या है, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये नाइट्रोजन का ही रिलेटिव एटॉमिक मास आपके पास आ गया विद नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट्स नहीं है, दिस इज योर रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया, यानी कि ये दो टाइप के जो आपके मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास और आपका जी क्या है एटॉमिक मास, बच्चे ये दोनों आपको क्लियर हुआ। तो फिर अगर क्लियर हुआ तो देखो अब क्या बात है कि यार आज नाइट्रोजन का मास हम कैसे बता रहे हैं कि ये कितना है, 14 amu है, ठीक है? मतलब आप नहीं चाहोगे कि आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो, यानी कि आप एग्जैक्टली बता सको कि यार नाइट्रोजन का जो एक एटम है ना, उसका इतना ग्राम या इतना केजी मास होता है, तो उसके लिए भी कुछ तो करना होगा। बच्चे जैसे जैसे एडवांसमेंट आया उसके बाद आपके पास ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए, ठीक है? जिस जो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, कुछ नाम वाम याद नहीं रखना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, बस मैं ये बता रही हूँ इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमने क्या किया बच्चे, क्या किया, कार्बन 12 यानी कि कार्बन के एक एटम का कितना मास होता है ये फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया, द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और आपके पास क्या निकल कर आया, ये देखो आपके पास निकल कर आया कि जो आपका कार्बन 12 का, ठीक है भाई कार्बन 12, अरे यार कार्बन 12 का ही तो करोगे, या मतलब समझ आया ना क्यों हम कार्बन 12 का कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास यूनिट, ये देखो जी आपने जो अपनी एटॉमिक मास यूनिट बनाई है वो क्या बनाई है, 1 amu इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यार एक बात बताओ, अगर मेरे को ये पता चल जाए, ठीक है मेरे को ये पता चल जाए, तो बस 12 से डिवाइड करना है और आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट। फिर मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को इसका ग्राम्स में मास पता चल जाए यार, तो इसको 12 से डिवाइड करकर एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, अब फिर मैं सबका ग्राम्स या केजी में एटॉमिक मास बता पाऊंगी। तो बच्चे यहां पर आपने क्या किया, जो इसका वैल्यू आपके पास आता है, ये वैल्यू आपको ध्यान नहीं रखना, मैं बताती हूँ कौन सी वैल्यू ध्यान रखनी है, ये वाला इतना मास निकल कर आया किसमें, ग्राम्स में, बट आपको इसको ध्यान नहीं रखना, ठीक है? रादर आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, कि आपके पास जो वन एटॉमिक मास यूनिट होता है, मतलब जब इसको वापस, अरे भाई ये तो एक
कार्बन 12 एटम का मास है, इसको जरा 12 से डिवाइड तो करो, हमें तो ये वाली यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, आपको तो वन एटॉमिक मास का यूनिट चाहिए, ठीक है? तो कैसे आएगा? ओहो, ये क्या हो गया? तो कैसे आएगा बोलो यार, कैसे आएगा? आपने 1/12 से डिवाइड किया, तो बचे जो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है, दैट इज 1.66 × 10^-24 ग्राम। और जी, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सुनो, देखो बच्चे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप ही आपको ध्यान हो जाएगा, तो कोई चक्कर नहीं है कि ओए होए इसको ध्यान भी रखना होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे बार 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 बार, ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा, ठीक है? पर फिर भी इसको ध्यान रखना है, ये मैं पहले ही बता रही हूँ। कितना आया बच्चे? वैल्यू आ गई 1.66 × 10^-24 ग्राम। और फिर आया कहानी में ट्विस्ट, पता है क्या हुआ? ये जो आपका 1.66 × 10^-24 ग्राम आया ना बच्चे, हमने देखा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ जी, क्या आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? बोलो यार, एवोगैड्रो नंबर किसको कहते हैं बच्चे? एन ए। पहली बात तो इसे एन ए से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। दिस इज योर एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू बता रहे हो इज गोइंग टू सबसे पहले टेल इट कि कितनी होती है आपकी वैल्यू। बोलो यार, फटाफट बोलो ना, कितनी वैल्यू होती है आपकी इसकी, एवोगैड्रो नंबर की? सबको पता होगा है ना, जल्दी बताओ। बोलो बच्चे, कितनी वैल्यू होती है? हाँ ओके, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। वैल्यू होती है 6.022 × 10^23। तो कहानी में ट्विस्ट पता है क्या आया? कि जब आप ये कर देखोगे ना, 1/NA जी, इसका मतलब, अरे इसका मतलब भाई सिंपल, इसका क्या ही मतलब होएगा, ये मतलब है इसका। तो पता है वैल्यू कितनी आई? पता है ये वैल्यू कितनी आई? 1.66 × 10^-24 ग्राम। मतलब ये वैल्यू भी आपकी कितनी आती है? ओए, ये तो उसके इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई? एटॉमिक मास यूनिट के, है ना बच्चे? आपके पास ये भी तो इतना ही आया था, 1.66 × 10^-24 ग्राम, और जी ये भी इतना ही आ गया। ये देखो क्लॉक खुल गई क्या बच्चे? ये भी इतना ही आ गया, 1/NA। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो आपका वन एटॉमिक मास यूनिट है बच्चे, हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका वन एटॉमिक मास यूनिट है, या तो आप उसको इसके इक्वल रख दो, जहां जरूरत पड़े, माइनस नहीं लिखा है था बच्चे, 10^-24, ठीक है, या तो इसके इक्वल रख दो या 1/NA लिख दो, जिधर जैसा जरूरत पड़ता है आप वैसा कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करूंगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है? अच्छा यार, इतना तो तुम सब समझते हो कि ये ग्राम्स में आई है वैल्यू। अगर मैं केजी में पूछ लूं फिर क्या? वेरी सिंपल, क्या करोगे बताओ यार? ये वैल्यू 1.66 × 10^-24 ग्राम ग्राम्स में है, मेरे को केजी में कन्वर्ट करना है। 1 kg इज इक्वल टू, बच्चे को पता है मैम, हम तो वेरी वेरी स्मार्ट है, स्मार्ट हो बताओ कितना होता है 1 kg? 1000 ग्राम। तो बच्चे 1 kg किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो यार ओए 100 लिख दिया, देख लो मैम आपने गड़बड़ लिख दिया। अरे जी 1000 ग्राम, ठीक है? तो बच्चे इसको 1000 से कर डालो डिवाइड, आप कितना आएगा? 1.66 × 10^-27 kg। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आपके पास क्या आ चुका है? ग्राम्स में भी एटॉमिक मास यूनिट आ चुका है, मतलब AMU ग्राम्स में भी हो गया डिफाइन, और केजी में भी हो गया, और जिधर जरूरत पड़े आप उसको 1/NA ग्राम भी बोल सकते हैं। बोलो यार, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? कम ऑन क्विकली, आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहां तक का पार्ट आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर है, परफेक्ट है। ओहो, आज तो कोई डाउट ही नहीं आ रहा। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे को ना मास ऑफ वन नाइट्रोजन आटम बताइए, वो भी केजी में। किसमें? केजी में। वेरी सिंपल, एटॉमिक मास, यही तो बताना है आपको एक तरीके से, एटम का मास। यार मास ऑफ वन नाइट्रोजन आटम पूछा है, अभी तो पढ़कर आए, कितना होता है? 14 AMU होता है ना। AMU की जगह क्या लिखूंगी बताओ? AMU की जगह हम लिख सकते हैं आपका 1.66 × 10^-, क्योंकि यार मेरे को केजी में बताना है, तो तुम या तो ध्यान रख लो कि -27 हो जाएगा, या उसको 1000 से डिवाइड कराना, ठीक है? तो कितना आएगा यहाँ ऐसे, और जी केजी, परफेक्ट।
बोलो यार, ये बात आपको समझ में आई? अभी देखो मेरे पास क्या आ चुका है बच्चे, मेरे पास मास ऑफ नाइट्रोजन एटम आ गया, वो भी केजी में। ये हुई कुछ बात, अब बढ़िया लग रहा है। मतलब कि अब जो है हम आपका मास ऑफ नाइट्रोजन एटम बता सकते हैं, उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एएमयू बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, नहीं, अब आप प्रॉपर ग्राम्स में उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू बता पा रहे हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आप उसकी दे पा रहे हैं, है ना? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है मोल। देखो यार, चैप्टर का नाम ही है ना, मोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मतलब कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मोल की बात हो जाती है। देखो आज मैं आपको मोल नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ एक ऊपर ऊपर से आइडिया दूंगी कि मोल होता क्या है, ठीक है? ऐसे बस थोड़ा थोड़ा आइडिया देंगे आपको कि मोल क्या है। मोल कॉन्सेप्ट आपका कल स्टार्ट होगा। बच्चे देखो, मोल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि ऐसे मानिए, मोल का मतलब पहले तो देखो, ये वैल्यू जो है आपकी बच्चे, वन मोल का मतलब होता है आपके पास इतनी अवोगैड्रो नंबर। ये क्या है? अवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁵23। इतनी आपके पास एंटिटीज हैं, यानी जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो वो इतना है। कहने का मतलब, हाँ, मेरे पास वन मोल रुपीज है, वन मोल रुपीज। इसका मतलब क्या बना कि मेरे पास पता है कितने, 6.022 × 10⁰23 रुपीज है। ओए होए, इतने अगर यार सच्ची इतने पैसे आ जाए यार, तो मैम लाइफ तो बड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, क्या मजा आएगा, है ना? 6.022 मतलब देख लो यार, 10⁰23, 0000 लगाते चले जाओ, ठीक है? मतलब हर सेकंड भी 1-2 लाख खर्च करते रहे ना, फिर भी खत्म नहीं होने वाला, कम से कम जब तक आप रहेंगे तब तक तो आपका मनी रहेगा। ओके जी, तो ये मैंने किसकी बात की? वन मोल रुपीज की। भाई मेरे पास इतना मनी है, ठीक है? अच्छा जी, आप किसकी बात करें और थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके पास वन मोल आईफोन्स है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? वन मोल आईफोन्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अरे यार जिसके आगे तुम मोल लगा दो ना, इसका मतलब वो वन मोल मतलब ये है कि आपके पास इतने आईफोन्स हैं जी। ओहो, ठीक है, इतने आईफोन्स हो जाए, इतने वन मोल आईफोन्स। ओहो, ये कहां से लग गया बच्चे, लाइन किधर से ड्रॉ हो गया? तो यार आपके पास इतने क्या है, आईफोन्स, ठीक है? ओके, उसके बाद मैं आपको कहती हूँ आपके पास वन मोल क्या है, पेन है। क्या है बच्चे आपके पास? वन मोल पेन है। आप ये सब समझ गए? समझ गए जी, समझ गए। इसका मतलब ये होता है जिस भी चीज के आगे मोल लग जाए ना, इसका मतलब वो 6.022 × 10⁰23 प्रेजेंट है। कहने का मतलब, जैसे मैं कह रही हूं कि आपके पास वन मोल पेन प्रेजेंट है, अब देखो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि आपके पास वन मोल आकांक्षा मैम प्रेजेंट है, वो तो एक ही है ना? तो पेन ही वन मोल हो सकते हैं, वैसे तो क्या ही होंगे इतने भी, लेकिन स्टिल वन मोल पेन का क्या मतलब है? 6.022 × 10⁰23 पेन्स प्रेजेंट है आपके पास। बोलो यार, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है बच्चे, अभी मोल्स हम समझ चुके हैं कि किसी भी टर्म के आगे जब आप ये मोल्स लगा देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है? आओ जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आ जाती है, इसी के लिए पढ़ा हमने ये मोल, दैट इज योर मोलर मास। बट बच्चे मोलर मास का मतलब, मोलर मास का मतलब है, अरे सिंपल यार, उसका वो बता तो रहा है खुद, क्या कह रहा है? मोलर मास हूं मैं, एक मोल का मास हूं मैं, ठीक है? तो बच्चे व्हाट इज योर मोलर मास? दिस इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि अगर आपके पास कोई भी चीज, पेन, आईफोन, पैसा, कुछ भी, ठीक है, वन मोल प्रेजेंट है, तो उसका कितना मास होएगा इन ग्राम्स? ये बात ध्यान रख लेना, इसको हाईलाइट कर दो यार, ये जो लिखा है बच्चे ग्राम्स में, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो मोलर मास है, देखो मोलर मास की यूनिट आपको बहुत सारी बुक्स में ग्राम्स मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में, मतलब कभी कभी आप क्वेश्चन में देखोगे कि ऐसे भी आता है, ग्राम पर मोल भी आता है जी, ठीक है? तो यार वैसे तो आप इसको जनरली मैक्सिमम टाइम्स हम जो यूनिट यूज करने वाले हैं मोलर मास का, दैट इज गोइंग टू बी ग्राम्स, लेकिन कभी कभी आपको ग्राम पर मोल भी लिखा हुआ दिख जाएगा। ग्राम पर मोल सिंपल कि यार एक मोल पर मोल का मतलब क्या होता है कि एक मोल का ग्राम्स में इतना मास है, सिंपल, इसलिए उसको ग्राम पर मोल भी बोल देते हैं, ठीक है? अभी यार आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसको करो जरा, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, देखो इतना तो समझ गए कि मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस को ग्राम्स में फाइंड आउट करो तो उसको मोलर मास कहते हैं। अभी देखो यार,
मोलर मास फाइंड आउट कीजिए, किसका किसका मोलर मास फाइंड आउट करना है? वन मोल आईफोन्स का। ऐसे सोचो आईफोन जो है, एक आईफोन का मास, एक आईफोन का मास कितना है? 300 ग्राम कुछ भी ले लो, आर्बिट्ररी वैल्यू, बोलो कितना आएगा आपके पास? व्हाट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ वन मोल ऑफ आईफोन्स अगर एक आईफोन का मास 300 ग्राम है? बोलो जी, बताओ बच्चे कितना मास होएगा। और इसी के साथ भूलना नहीं है सेशन को लाइक करना, ठीक है? सो डू नॉट मिस टू लाइक द सेशन। यार मेरे को तो तुम लोग का चार्ट ही नहीं दिख रहा, किधर गायब हो गए? हाँ अभी दिख जाएगा, दिखेगा। हाँ यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड बच्चे, हाँ बिल्कुल ठीक है। राखी बोल, रुजता, ऋतुजा, अभिषेक, अभिषेक क्या लिखा है? ना ना क्या होता है जी? राधा कृष्ण, नैन्सी, परफेक्ट है बच्चों। देखो यहाँ पर आपके पास जो वन मोल आईफोन का मास होगा, अरे भाई एक आईफोन का मास 300 ग्राम है, दो का कितना होगा 600 ग्राम, तीन का कितना होगा बताओ? एक का 300 है, 900 ग्राम हो जाएगा, चार का 1200 हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि मेरे को ये बताओ कि 6.022 × 10^23 आईफोन्स का मास कितना होएगा? तो जी आप क्या बोलोगे? 300 × अवोगाड्रो नंबर, जो कि क्या होता है 6.022 × 10^23, यही तो होता है ना, यही तो पढ़ा है, दैट्स इट, ऐसे बता देना था। तो बोलो यार, अगर आपसे अब मैं ये पूछूं क्या मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम के एक मोल का मास, बच्चे इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझो, इसका मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूं वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास 6.022 × 10^23 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है ना? अभी बताओ जी कितना होए, बोलो 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 कितना होगा इसका मोलर मास? और ग्राम्स में बताना है, गड़बड़ नहीं कर देना, ग्राम्स में बताना है। इसको ध्यान से करो और बताओ मुझे इसका आंसर कितना होगा। गड़बड़ तो आप लोग कर ही दोगे, बट देखते हैं क्या आप लोग सही बता पाते हो। बताओ बच्चे कितना मास होगा इसका? व्हाट इज गोइंग टू बी द मोलर मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, दैट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड यू, ठीक है? फोर्टी, हाँ मेरे को पता था, मेरे को पता था ऐसे ही करने वाले हो। अरे बुद्धू बच्चों, वाह 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 वाह, अरे यार सुनो मेरी बात, देखो तुम्हें क्या करना है, अभी आपको रियलाइज होगा कि थोड़े से तो बुद्धू हो आप, है ना? देखो क्या करना है आपको जी, ये करना है कि आपको 6.022 × 10^23 नाइट्रोजन एटम्स का मास फाइंड आउट करना है। अब ये इतना बड़ा वैल्यू मैं बार बार लिखूं मेरे को तो अच्छा लग नहीं रहा, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी कि आपको जो है एनी एटम्स, अब वो गैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास फाइंड आउट करना है। बोलो यार ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, वन किधर है किधर है किधर है, वन नाइट्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय आपका अवोगैड्रो नंबर। तुमने क्या किया, इतना सारा लंबा लंबा कैलकुलेशन किया, इसको मैम हम लिखेंगे 14 ग्राम और 14 ग्राम को कर देंगे मल्टीप्लाई से अवोगैड्रो नंबर से, है ना? ऐसा ही तो किया तुमने। अरे बुद्धू बच्चों एक बात बताओ, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, एक एटम का मास क्या लिखना था इधर? अरे यार आपको यहां पर क्या लिखना था, एटॉमिक मास, ठीक है? तो अगर मैं मान लो मैंने अभी ऐसा लिख दिया कि ये कितना है 14 AMU है, बच्चे कितना है 14 AMU, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको अवोगैड्रो नंबर से, क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU होती है कि नहीं? तो ये आ जाएगा। आप फिर याद करो, याद करिए कि आपके पास एक रिलेशन आया था बच्चे, क्या रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज इक्वल टू 6.022, ना 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 ना, 6.022 कहां से आ गया, 1.66 बच्चे, 1.66 × 10^-24 ग्राम। और जी क्या वो भूल गए है ना, 1/NA भी तो होता है, 1/NA ग्राम। तो देखो NA पहले से इधर लिखा है, कैसा होगा अगर बच्चे मैं यहां पर इस AMU की जगह ये वाला रिलेशन लिख डालूं, 1/AMU = 1/NA ग्राम, तो यार ये नहीं आएगा क्या?
देखो जी 14 एटॉमिक मास यूनिट की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/Na इंटू ग्राम, और यहां पर आपके पास Na है ही, तो जी कर डालो, Na से Na कैंसिल, ओहो Na से Na कैंसिल हो गया, कितना आएगा 14 ग्राम्स में, ठीक है 14 आ गया ग्राम्स में आ गया, क्यों, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट किस में था बच्चे, ग्राम्स में था आपके पास ये रिलेशन। बोलो जी क्या ये मुश्किल था, पर आपने गड़बड़ किया है ना, गड़बड़ किया कि नहीं बताओ, अब भी आप लोगों को क्लियर है? हाँ वेरी गुड, हाँ जी श्रेयसी परफेक्ट है बच्चे, 14 ग्राम ही होएगा है ना, हाँ वेरी गुड, अब भी बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। और इसी के साथ हैव यू ऑल लाइक दिस सेशन, की उधर कंजूसी चल रहा है, कम ऑन क्विकली हिट दी लाइक बटन, सेशन को लाइक करेंगे एकदम बढ़िया से, नो कंजूसी, मेरे को भी तो मजा आना चाहिए है कि नहीं, ऐसे मजा तो आ रहा है, ओके बच्चे परफेक्ट है। देखो उसके बाद यहां आपने ये तो जी हो गया, आओ जी आगे बढ़े, अभी ये तो करना था आपको, फाइंड कर लिया आपने है ना बच्चे, ये तो हो गया आपका, आप फाइंड आउट कर चुके हो द मास ऑफ वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोलर मास हमने सीख लिया, और उसके बाद यस बच्चे इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो पहले तो ये सीख लो कि आपके पास, ओहो बच्चे आपके पास जो है ना नाइट्रोजन के ही कितने सारे तरह के मास आ चुके हैं, कितने सारे तरह के मास आ गए, ये देखो नाइट्रोजन का बच्चे एक तो आपके पास मास आया कितना भाई 14 आया, एक आपके मास आपके पास मास आया 14 AMU, और एक बच्चे आपके पास कितना आया बोलो बोलो 14 ग्राम, कितना आया 14 ग्राम आया है ना, GM नहीं लिखते बच्चे, ग्राम को जी लिखो। उसके बाद आपके पास 14 क्या था जल्दी बताओ, जिसका यूनिट नहीं होता वो कौन होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, तो ये आपका क्या है, ये है जी रैम, ठीक है। उसके बाद 14 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास, सिंपल है ना, ये क्या था आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलो कि ऐसे बोल दो कि एक एटम का मास, एक नाइट्रोजन एटम का मास, सो दिस इज मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम है जी ये, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट दिस 14 ग्राम, दिस इज योर, यार ये तो अभी अभी फाइंड आउट किया कि नहीं किया, ये तो फाइंड आउट किया आपने अभी अभी, क्या था ये मोलर मास, सो दिस वाज योर मोलर मास, और यार मोलर मास सुनो सुनो देखो ये जो मोलर मास है ग्राम्स में आया कि नहीं आया, तो आप इसको ग्राम मोलर मास भी कह देते हो, ऐसा कह देते हैं इसको, और क्या कह देते हैं बच्चे, ग्राम मोलर मास भी कह देते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में आया बस इसलिए, ठीक है। तो अभी तक जैसे हमने क्लास स्टार्ट की थी हमें क्लैरिटी लेना था, ये अलग अलग मास जो आपके पास होते हैं यार इनका मतलब क्या है, किसी के पीछे कोई यूनिट लग रहा है, किसी के पीछे कोई यूनिट लग रहा है, चक्कर क्या है, वो सभी समझ आया अब आपको, ये तीनों मास आप लोगों को क्लियर है क्या, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे एक बच गया अभी, और वो जो एक बचा है बहुत सिंपल है, एंड दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास, क्या बचा है बच्चे आपके पास, मॉलिक्यूलर मास बच गया। देखो यार आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसके इक्वल होता है, क्या होता है, आओ जी इसको देख लेते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या था, एक मोल का मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास बच्चे, क्या वन मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लो जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, इसका मास फाइंड आउट करना बच्चों, अरे मैम ये तो सुपर इजी है, क्या हो जाएगा 2 × मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, सिंपल है ना बच्चे, यही तो हो जाएगा, कितना होता है 2 × 1, तो ऐसे लिख दो 2 AMU आ गया, ठीक है जी। अभी देखो मैं AMU लिख रही हूँ, बाद में यहां पर भी आपका, चलो मैं कुछ नहीं लिख रही अभी बच्चे, इसकी यूनिट हम डिफाइन नहीं करें, मैं नहीं बता रही आपको इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट से आपको वाटर का फाइंड आउट करना है, बोलो यार वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी वो क्लासेस में पूछते हैं कि यार मैम इसका कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने मोलर मास, तो जी ऐसे होता है बच्चे, कितना आएगा आपका H2O का, यहां पर आ जाएगा 2 × मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस, एक ही तो ऑक्सीजन है, देखो यार एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या लिखोगे वन ना, क्या लिखोगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, दैट्स इट। बोलो जी ये कितना है, 2 × 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18,
सिंपल है ना। अब आप लोग कर कर दिखाओगे किसका किसका कर कर दिखाओगे, इसका दिखा दो। चलो H2SO4 बचे, H2SO4 का बताओ। और इसके बाद नेक्स्ट करना आप लोग किसका करोगे, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखो। एक तो आप लोग H2SO4 का करो और एक MgCl2.6H2 इसका भी कर लो, नहीं तो आप लोगों को जी कंफ्यूजन रह जाएगा। ठीक है चलो जी, दोनों का कैलकुलेट करें अभी के अभी। एंड आई एम गोइंग टू चेक कि कौन है वो एकदम बढ़िया वाला, आई मीन कौन है हमारा स्मार्ट स्टूडेंट जो दे रहा है इसका सबसे पहले आंसर। ठीक है बोलो यार जल्दी बताओ प्लीज। 98 किसका बता रहे, ओए ओए यार व्हाट अ स्पीड, मैंने तो फोन खोला ही तुम्हारा आ भी गया 98। वेरी गुड जी वेरी गुड, 98 ही होएगा क्या, चेक कर ले इसको मैंने किधर लिखा है। हाँ हाँ 98 परफेक्ट, वेरी गुड, आ हा व्हाट अ स्पीड। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 32 × 1 और 16 × 4 64 + 32 + 2 बोलो यार 98 वेरी गुड। इसका बताओ मेरे को बच्चे समझ में आया, ये हाइड्रोजन एटम का है किसी को नहीं आया हो तो, ये सल्फर का है और ये ऑक्सीजन का है, और जितने जितने जो है ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर तो एक ही है। ठीक है अब इसका बताओ यार MgCl2.6H2 होगा, कम ऑन क्विकली। इसमें ना कुछ कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाएंगे, मेरे को पक्का पता है इसमें तो चलाओगे तुम दिमाग, आई नो। 203 आ रहा है MgCl2, ना जी ना MgCl2 का नहीं करना, इसका पूरे का करना है MgCl2.6H2 पूरे का कर कर बताओ। अभी देखो इसका मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया होगा, तो तुम 203 लिख रहे हो सारे के सारे, तो ऐसे ही किया जैसे मैं करने वाली हूं तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़। ठीक है ओए होए ये तो सबका ही 203 आ रहा है, चलो यार फिर 203 होगा मान लेते हैं, बट जस्ट चेक करो आपने ऐसे ही किया कि नहीं किया। ठीक है बच्चे यहां पर आ जाएगा देखो 1 × ये थोड़ा ज्यादा थिक नहीं हो गया, देखो बच्चे आपके पास कितना आएगा 1 × मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, कितना है मास ऑफ मैग्नीशियम एटम वो लिखना है आपको, प्लस फिर यहां पर 2 × मास ऑफ क्लोरीन, भाई 2 क्लोरीन है क्योंकि, प्लस इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है मल्टीप्लाई नहीं है ये, इसका सिंपल मतलब है, कुछ लोगों को बड़ा ऐसे मैथमेटिक्स घुसाना होता है, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये इसका मतलब है इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर का, सिंपल। एक मॉलिक्यूल का भी पीछे देखकर आए कितना होता है जी 18, तो इसका कितना होगा 6 × 18, क्योंकि यहां पर मैंने किसी का मास नहीं लिखा, तो बच्चे यहां पर आप इसको क्या लिख लोगे 6 × वाटर का मास लिख लेना। ठीक है बोलो यार क्या ऐसे ही किया आप लोगों ने, ऐसे ही किया है तो बच्चे परफेक्ट है, नहीं तो गड़बड़। ठीक है नहीं तो गड़बड़ है। अच्छा सबको पता होगा मैग्नीशियम 24 क्लोरीन 35.5, ठीक है ऐसे किया तुम लोगों ने कि कुछ और कर डाला, MgSO4 समझ लिया, बहुत ही बढ़िया, हाँ MgSO4 समझ लिया, वाजी वाह, एक ही मैम का बुद्धू स्टूडेंट, बुद्धू ही हो है ना, पर बुद्धू रहना नहीं है ऐसे स्मार्ट बनना है एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 246 भाई चेक करना है इसको, कल की स्पेशल क्लास में बताऊंगी एग्जैक्ट कितना है, अभी इधर तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है अच्छा बच्चे तो यहां पर आपके पास अभी देखना ध्यान से बच्चे, आपके पास जो आपका H2O है ना, मैं H2O को ले लेती हूँ, H2O का भी इसको देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी, बताना तुम ही लोगों ने, H2O का भी मेरे पास 2-3 तरह के मासेज आ जाएंगे। अच्छा यार जैसे आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता था ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो सकता है कि नहीं हो सकता, जैसे एटॉमिक मास था और रिलेटिव की कभी यूनिट ही नहीं होती, बोलो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चे, जैसे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वो स्टैंडर्ड वैल्यू 1/12 एंड दिस दैट दैट, ऐसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं आएगी, रिलेटिव में हमेशा यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, तो एक मास आपके पास 18 आएगा बच्चे, दूसरा आपके पास 18 AMU आएगा, और एक आपके पास 18 g आएगा। मेरे को नीचे लिखकर बताना है आपको यहाँ पर कि ये जो आपका 18 आया है ये कौन सा वाला मास है, फिर 18 AMU कौन सा मास है, और आपके पास 18 g कौन सा मास है, ये आप लोग मेरे को बताओगे। चलो फटाफट बता दो यार बच्चे कौन कौन सा मास है यहाँ पर, ये आप लोग हमें बताएंगे।
ठीक है, यस। डीपीपी कहाँ पे मिलेगी अभी दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, डीपीपी जो आपकी है यहां से शुरू हो रही है, ये रही, ये आज जो पढ़ा है ना हमने उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो इधर लिखे हुए हैं, मैं आपको लोगों को दे दूंगी इसको सॉल्व करना। और लिंक ऑलरेडी पिन अप किया हुआ है चैट सेक्शन में, वहां स्पेशल क्लास में मिलेंगे कल। टाइम याद कर लो, कितने बजे मिलेंगे? आए हो, ये तो हम आगे जा रहे हैं जी, 4:15। ठीक है बच्चे, स्पेशल क्लास का टाइम होगा 4:15 PM, इधर मिलने वाले हैं कल की स्पेशल क्लास में। एक्चुअली डेली ही होगा, जब जब आपका यूट्यूब क्लास होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम इधर डिस्कस करेंगे। देखो यार, क्वेश्चन तो डिस्कस कर लो पहले, जो आपसे पूछा था 18 क्या है, 18 AMU क्या है और 18 ग्राम क्या है। कमान जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। हाँ 18 RAM है। हाँ जी, नोट शेयर हो जाएंगे बच्चे। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप AKA लाइव या फिर किधर, अनअकैडमी नीट, दोनों ही जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह आपको मिलेगा। ओके वेरी गुड, मेरे को ज्यादातर आंसर राइट दिख रहे हैं, वैसे ज्यादातर आंसर तो ठीक ही लग रहे हैं जी आपके। अच्छा तो फिर ठीक ही बता देते हैं। देखो बच्चे, 18 विदाउट यूनिट है, तो दिस इज योर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसको एटॉमिक मत बना देना, एटम का नहीं है ये, एक मॉलिक्यूल का है। सो दिस इज गोइंग टू बी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही 18 AMU कितना आएगा बोलो जी? 18 AMU, 18 AMU का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। क्या है बच्चे? मॉलिक्यूलर मास है, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है? दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये तो थोड़ी अच्छी सी बात नहीं हुई। क्या अच्छी सी बात नहीं हुई? देखो आपने इसको क्या कहा है? AMU, AMU, AMU की एक्सपेंशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। यार है तो ये मॉलिक्यूल है ना, वाटर तो मॉलिक्यूल है और इसकी यूनिट तुम लिख रहे हो एटॉमिक मास यूनिट, ये तो बात नहीं हुई कोई, है ना? इस पर तो हम धरना देंगे, ऐसे कैसे रख सकते हैं मॉलिक्यूल का एटॉमिक? ओए हो, ये तो वेरी बैड है जी, है ना? कह सकते हो आप ऐसे, ऐसे तो नहीं हम रहने देंगे इसको। तो बच्चे इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट कहने की जगह यहां पर आपने क्या लगा दिया? AMU की जगह आप इधर क्या लगा दोगे? इसको हटा दो, AMU को उड़ा दो, अभी क्या लगाओगे? यू। कुछ नहीं है, मतलब इसका भी वही है जो एटॉमिक मास यूनिट का होता है। ठीक है, मतलब इसका भी वही है जो एटॉमिक मास यूनिट का होता है। बस ये बात इतनी है कि क्योंकि ये मॉलिक्यूल का है इसलिए इसको AMU नहीं बोल रहे, क्या बोलते रहे? यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। बच्चे यू का मतलब यहां पर क्या है? यूनिफाइड। क्या है? यूनिफाइड। कूल है जी। आप 18 ग्राम के बारे में बताइए, 18 ग्राम क्या है बच्चे? अरे ये कहां से इतना टिंग टिंग हो रहा है? 18 ग्राम बताओ प्लीज, व्हाट इज 18 ग्राम? बच्चे बोलो 18 ग्राम क्या? हां जी वेरी गुड जी, वेरी गुड, परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। बच्चे 18 ग्राम आपका, दिस इज योर मोलर मास। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल का है तो आप इसको मॉलिक्यूलर, बच्चे इसको और पता है क्या बोल सकते हो? क्योंकि ये देखो ग्राम में आया तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बोलो यार, सारे के सारे जितने आपके मास होते हैं, शुरुआत हमारी हुई एटॉमिक मास से, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद हमने सीखा रैम, ना 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 रैम तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद मोलर मास और फाइनली मॉलिक्यूलर मास। क्या आप ये सभी समझ चुके हैं? क्या वो जो गड़बड़ किया हुआ था आपने आपने इधर लॉजिक्स में कि कौन सा मास क्या होता है, कहां से एक्चुअली आया है, कैसे कार्बन 12 आपका रेफरेंस आया, क्या ये बात आपको आज क्लियर हो पाई है? जल्दी से बता देंगे, कम ऑन क्विकली, आई नीड क्विक आंसर्स इसी के लिए। हाँ परफेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अभी देखो वेरी गुड तो ठीक है, वेरी गुड तब होएगा जब आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके पास बच्चे जो भी आपका यूट्यूब पर सेशन होगा, क्योंकि फिजिकल है और फिजिकल में क्वेश्चन ही आएगा, और क्वेश्चन मतलब आएंगे तो सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ही, बट यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चे कॉन्सेप्ट समझना एक बात होती है, उसकी अप्रोच को समझना कम्स व्हेन यू प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इज बेहद इंपॉर्टेंट। तो इसी के लिए आपके पास ये डीपीपी है, ये देखो स्लाइड मिलेगा, उसमें एंड में जाना,
ऐसे आपके पास क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसी के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा है कि अगर यूरेनियम के एक एटम का मास इतना है तो इसका एक्चुअल वेट कितना होगा ग्राम में, मतलब एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना है। देख लो आंसर कैसा दिया हुआ है, आसानी से आप लोग इसको कर जाओ। ठीक है बच्चे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आगे तक। ये देखो इस तरीके से लिंक पिन अप हुआ हुआ है स्पेशल क्लास का, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और तो कल मिलेंगे स्पेशल क्लास में। टाइमिंग्स क्या, टाइमिंग क्या रहने वाली है, इधर नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चे, 4:15 PM स्पेशल क्लासेस आपकी फ्री क्लासेस होती हैं। मेरी क्लास में एंट्री मार लेना, ठीक है? कैसे, आप कोड यूज कर सकते हो AKA लाइव, आपको एंट्री मिल जाएगा मेरी क्लास में फॉर एब्सोल्यूट फ्री। ठीक है बच्चे, तो कल स्पेशल क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसके बाद ये आपके क्वेश्चन से साथ साथ PDF डाउनलोड करना मिल जाएगा। एंड देन वी हैव दिस अनअकैडमी कॉम्बैट बच्चे, जो आपका होता है हर संडे, जहां आपको मिलता है बड़ा अमेजिंग सा मौका प्लस सब्सक्रिप्शन ग्रैब करने का फॉर एब्सोल्यूट फ्री बच्चे। हर संडे की सुबह 11 बजे, ठीक है? ऐसा आपका एक मिनी सा टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चन, 7 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और अगर आप टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आते हैं जैसा यहाँ पर मेंशन भी है इधर देखो, तो बच्चे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। या फिर आप टॉप 3 में आए तो 100% आपको प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है? एंड देन ऑफकोर्स अगर आप सोच रहे हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, बच्चे देखो प्लस के मीडियम से अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि क्या है कि बेहद इंपॉर्टेंट है हमारी तैयारी के दौरान हम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, एक ऑर्डर्ड वे में चले, है ना? तो वहां पर जिन बच्चों को लगता है यार नहीं आ रहा, वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्लस क्लासेस में आपका टाइम्स क्लासेस शेड्यूल्ड होती है, टाइमिंग फिक्स्ड होता है, वहां पर बच्चे एक पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका खुद का एक रूटीन सेट हो जाता है और आप फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफकोर्स यहाँ पर आप जो है एक ही कोड के साथ अनलॉक कर लेते हैं पूरे के पूरे कैटेगरी का सारा कंटेंट। यानी ऐसा नहीं कि अगर आप कोड यूज करेंगे AK लाइफ तो आपको बस मेरी क्लास पे एंट्री मिल रहा है, नहीं, रादर यहाँ पर यू हैव इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। अब बच्चे हर किसी की क्लास में आप एंटर कर सकते हो जो भी आपको पसंद आते हैं, ठीक है? जिनके साथ आप वाइब अप कर पाते हैं और अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सबसे पहले तो ये आपको डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। बच्चे ड्यूरेशन डिसाइड कर लेना तुम लोग कि कौन से ईयर के एस्पायरेंट हो, और फिर ऐसा नहीं हो कि पेपर से पहले सब्सक्रिप्शन गया। उससे क्या होता है, देखो रिवीजन बैचेस चलते हैं आपके एंड में, टेस्ट सीरीज होता है सब एजुकेटर्स का, आपका वो मिस नहीं होना चाहिए, तो एंड तक रहे कंटेंट, बस ड्यूरेशन में आपने उतनी बात देखनी। देन ऑफ कोर्स वी हैव प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर यू एंड वी हैव आइकॉनिक एज वेल। हर वीक ही आपके पास न्यू जो है क्या बोलते हैं बच्चे, बैचेस आते हैं। उसके बाद अगर आप अनअकैडमी क्लासेस की बात करते हैं, वी कंडक्ट लाइव क्लासेस फॉर यू, एट द सेम टाइम आप एजुकेटर्स के साथ यानी कि हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन शेड्यूल्ड होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? डाउट नहीं बचना चाहिए बिल्कुल भी। तो बच्चे हर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन मैंडेटरी है। एट द सेम टाइम कई बार हम ऐसे लिखकर अपनी बात नहीं बता पाते। देखो बच्चे आप इमेज तो सेंड कर ही सकते हो ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको जहां पर भी डाउट है उसका। एट द सेम टाइम आप ऑडियो कॉल पर भी लाइव क्लास के दौरान ही हमसे बात कर सकते हैं, जस्ट इन केस आपको सच्ची में कोई बात ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं या फिर गाइडेंस ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा DPP, सबका हैंड रिटन मटेरियल, सबका सब कुछ आपको मिल जाता है, सबकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन वी हैव दिस बच्चे आपका जो अभी फी है फॉर अलग अलग बैचेस, देख लो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बच्चे जो आपका अभी का फी है दैट इज दिस मच, और आपको एक्चुअली इतना पे नहीं करना है क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे AK लाइव तो आपको वैसे भी 10% ऑफ मिल जाएगा, तो एक्चुअली इतना पे नहीं करना आपने, रादर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, कोड यूज कर लीजिएगा AKA, ठीक है? और आइकॉनिक के साथ, क्योंकि यार हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है ना, तो सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी तो नहीं काम कर सकता, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, सबकी वीकनेस अलग है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी बनता ही होगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं आपके मेंटोर्स, क्योंकि यहाँ पर आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगी, एट द सेम टाइम आपको मिलते हैं आपके पर्सनल कोचेज, आपके पर्सनल मेंटोर्स, जिनको भी आप चाहते हैं, जिनके साथ आपका 1:1 इंटरेक्शन होता है और वो आपको गाइड करते हैं टुवर्ड्स द राइट पाथ। यही अगर हम देखते हैं आपका अलग अलग मंथ्स के लिए कितना कितना
पी है तो जी इतना है, बट बच्चे एक्चुअली आपको इतना देना नहीं है, मतलब यू डोंट पे दिस मच, रादर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा व्हेन यू यूज द कोड AKLI, ठीक है? और जी फिर भूलना मत सेशन को लाइक करना, शेयर इट अमंगस्ट योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही बनेगी बात और ऐसे ही होगा आपका और हमारा बॉन्ड मजबूत। और यार ये बेल आइकन दिख रहा है छोटू सा, इसको प्रेस करना पक्का, सो दैट आपके पास अपकमिंग सभी सेशंस के आए टाइमली अपडेट्स। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टुडे। बच्चे कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम 1 PM और स्पेशल क्लास में 4:15 PM, ठीक है? अच्छा ये DPP ये वाला इसी में आपका, सॉरी DPP नहीं है, जो PDF है ये डाउनलोड कर लेना आप टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी नीट या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी, और ये आपको बच्चे इसी के साथ साथ DPP मिल जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।